नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगा लाशों ही लाशों का ढेर। जिस कार्यक्रम में मौजूद थे मुख्यमंत्री, वहीं हो गई करीब 8 लोगों की दर्दनाक मौत। और दोस्तों, सामने आई है चौंकाने वाली वजह, पुलिस फोर्स तैनात है। महाराष्ट्र के मुंबई से सटे नई मुंबई में एक बड़ी घटना हो गई। महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान समारोह के दौरान लगभग 7 से 8 लोगों की यहां पर दर्दनाक मौत हो गई है। इसके अलावा करीब 30-40 लोगों की सन स्ट्रोक की वजह से तबीयत भी बिगड़ गई है और इनको कलम्बोली के MGM अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। घटना के सामने आते ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री दीपक केसरकर और रविंदर चौहान भी अस्पताल पहुँचे हैं। CM शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। दरअसल मुंबई से सटे खारघर में आयोजित महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। आप्पा साहेब धर्माधिकारी को आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों ये पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम में CM और DC भी मौजूद थे। इस दौरान लाखों की भीड़ तो जुटी, लेकिन इनके लिए ना ही कोई पांडाल की व्यवस्था थी और ना ही खान पान का कोई इंतजाम था। लोग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक 42 डिग्री तापमान में चिलचिलाती गर्मी और धूप में बैठे थे। इसी दौरान कई लोग सन स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का शिकार हुए, जिसमें करीब 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। विपक्ष ने दोस्तों निशाना साधा है। वहीं साथियों, देश दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, कॉमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बता कर जाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।